हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही प्यारे चैनल बॉबीज गार्डन पर। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि हम कैसे केले के छिलकों से बेहतरीन खाद या फर्टिलाइजर बनाएं। जिस तरह हम इंसानों के अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्त शरीर के लिए पोषक खाना जरूरी है, ठीक उसी तरह पौधों को भी बढ़ने के लिए सही पोषक तत्वों की जरूरत होती है। कई बार सूरज की रोशनी और सही पानी देने के बावजूद भी पौधों का विकास सही रूप से नहीं हो पाता। कभी कभी पौधे लंबे और घने तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें फल और फूल नहीं आते हैं। इसका कारण पोषण की कमी होती है। पौधों में पोषक तत्वों को पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है इसमें कंपोस्ट खाद मिलाना या फिर घर पर तैयार किया कोई फर्टिलाइजर। आजकल बाजार में तो कई तरह के कंपोस्ट मिल रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर लोग अपने पौधों को हरा भरा और ज़्यादा फलदार बना लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने घर पर ही फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं, तो बाजार से क्या लाने की ज़रूरत है। घर पर तैयार कंपोस्ट पूरी तरह से जैविक होने के साथ साथ सस्ती भी होती है। इसके लिए आप अपने रसोई के कचरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ केले के छिलकों से हम कैसे तैयार कर सकते हैं। यदि हम केले के छिलकों का बनाया हुआ फर्टिलाइजर यूज करेंगे, तो सब्जियों के और फलों के जो पौधे होते हैं, वे हमारे सब्जियों से और फलों से लद जाएंगे। उसका रिजल्ट आपको इतना बेहतरीन मिलेगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। जो मैं आज आपको फर्टिलाइजर बता रही हूँ, उनमें सब तरह के पोषक तत्व आपको मिलेंगे, जिसके उपयोग से पौधे तेजी से बढ़ते हैं और फल और फूल की पैदावार अच्छी होती है। वैसे तो तकरीबन सभी सब्जियां और फलों के जो छिलके होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ पोषक तत्व होते हैं, लेकिन सुपर फूड माने जाने वाले केले के छिलकों का उपयोग पौधों के विकास के लिए बेहद ही अच्छा है। इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, इसके साथ साथ कई और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। केले के छिलकों से जो भी आप ये लिक्विड फर्टिलाइजर आज बनाने वाले हैं, वह आपके जितने भी प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हों या फिर आउटडोर प्लांट्स हों, चाहे सब्जियों के हों चाहे फलों के हों, उसमें आप इसको इस्तेमाल करना और इसको बनाना बड़ा ही आसान है। वैसे तो केले के छिलकों का अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। इसका कंपोस्ट भी बना के तैयार किया जाता है। इन छिलकों को सुखा कर भी इसकी खाद तैयार की जाती है, वो भी मैंने वीडियो डाली है कि इसको कैसे सुखा कर यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका इसका है लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करना। इसके लिए घर से आप अपने घर में जो केले होते हैं, उनके छिलके उतार के इकट्ठा कर लीजिए। अगर घर पर भी नहीं है, तो आप बाजार से भी ला सकते हैं। बस आपको करना क्या है, थोड़े से ये छिलके काट बारीक बारीक काट लीजिए और एक बर्तन में डाल लीजिए और उसमें पानी डाल लें। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं या फिर आप गुड़ को स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप गुड़ डालें, जरूरी है, और स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे ही ढककर रख दें 2 या 3 दिन के लिए। जब ये आप इसको ढककर रख देंगे, तो यह तैयार हो जाएगी 2-3 दिन में हमारी फर्टिलाइजर। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 1 लीटर पानी का लिक्विड फर्टिलाइजर बना रहे हैं, तो उसमें तकरीबन 4 गुना पानी मिलाकर पौधों में डालना है। आपको एक बात का भी ध्यान रखना है, केले के छिलके का जो आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वह कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए इसमें फंगस लगने की भी संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रखें कि आप बारिश के दिनों में और ठंड के मौसम में केले के छिलके को इस्तेमाल कम ही करें। ध्यान रहे कि बारिश के मौसम में और ठंड के दिनों में आप केले के छिलकों का जो फर्टिलाइजर वगैरह या कंपोस्ट है, उसको कम ही इस्तेमाल करें। कुछ लोग केले के छिलके को सीधा गमले में डाल देते हैं। ऐसा करने से केले के छिलकों की जो मिट्टी के साथ मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। आप गमले की मिट्टी के अंदर केले के छोटे छोटे टुकड़े कर डाल सकते हैं, लेकिन अगर धूप न निकल रही हो तो ऐसा करने से आप बचें, नहीं तो उसमें फंगस लग सकती है। अगर आप भी गार्डनिंग के शौकीन हैं और आपके गार्डन के पौधों में फल और फूल कम आ रहे हैं, तो एक बार केले के छिलकों का जरूर इस्तेमाल करें। और जो ये मैं आज फर्टिलाइजर बता रही हूँ, यह भी इस्तेमाल करें, आपको बड़ा ही फायदा होने वाला है। हमने जो केले के छिलके रखे थे भिगो पानी डाल के, जो केले के छिलके रखे थे, ये हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हमें इसको कैसे यूज करना है। आपको जो है पानी ले लेना है। इसमें बाल्टी में देखिए, जैसे ये पानी ले लिया है मैंने। अगर यदि आप 4 लीटर पानी ले रहे हैं, तो 1 लीटर इसमें आपको केले के छिलकों का जो फर्टिलाइजर आपने तैयार किया है वो डालना है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से घोल लेंगे। अब घोलने के बाद एक एक करके सभी प्लांट्स को दे देंगे। मेरे पास देखो कितने हरे भरे प्लांट्स हैं ये, क्योंकि मैं इनको 15 दिन में, हफ्ते में ये सब फर्टिलाइज़र ऐसे ऐसे ही देती रहती हूँ। मैं बाज़ार से कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही कोई कंपोस्ट, ना ही कोई खाद, सब घर पर ही तैयार करती हूँ। और मैंने जो रसोई के कचरे से जो खाद तैयार होती है, कंपोस्ट तैयार होती है, उसकी भी वीडियो डाली है,
और केले के छिलके को जो सुखा के तैयार की गई खाद है वो भी डाली है। और जो ये फर्टिलाइज़र है ये तो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया ये कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद आपको अपने पौधों पर 1 हफ्ते या 10 दिन में आपको इसका रिजल्ट नज़र आ जाएगा। आप देखकर बता सकते हैं कि ये कितना प्रभावशाली है और कितना इफ़ेक्टिव फर्टिलाइज़र है, कि कितना अच्छा आपका ग्रोथ, आपके प्लांट्स की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है और कितने ढेर सारे फूल कलियाँ और सब्जियाँ आ रही हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।